सुनिए। अम्मा, दलिया अम्मा, आप दोनों अचानक से यहाँ पे, क्या हुआ? दलिया अम्मा ने एक उपाय लाया है जिससे वो पानी फेंकने वाला पहचान भी जाएगा और पकड़ा भी जाएगा। कौन सा उपाय? वो जब तुम पे पानी फेंके तो तुम ये उस पे फेंक देना। ये क्या है? ये नहीं चाहिए मुझे। ये जहर नहीं है, ये उसके ऊपर फेंकेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये सब गलत है रमा। और वो जो आपके साथ करते हैं वो गलत नहीं है? इसका मतलब वो गलत करेगा तो हम भी गलत ही करें क्या? देखिए, जरूरत पड़ने पर पुलिस भी तो बंदूक डंडे चलाते हैं ना, तो गोलियां मारना और डंडे चलाना भी गलत हुआ। लेकिन वो गलत है नहीं ना? आपको सिर्फ ये चूरन उसके ऊपर फेंकना है। कुछ गलत नहीं है बेटा, ले ले। कल रात आपकी तबीयत खराब थी, इस चिंता में मैं रात भर जगी थी। सोच रही थी कि भई आपकी तबीयत और खराब हो गई तो वैद्य के पास जाने के लिए ना ही आपके पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास। और ये चिंता मैं रोज नहीं सहना चाहती हूँ। बस रमा का मन रखने के लिए मैं ये पाउडर ले लेता हूँ। चलती हूँ। चल रमा। आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक है ना? क्या सोचा तुमने? तुम इस तरह मेरे ऊपर पाउडर डालोगे और मैं नकाब उतार कर फेंक दूंगा और तुम मुझे पकड़ लोगे। लेकिन अब तुम देखना, आज तो मैंने सिर्फ पानी फेंका, कल कुछ और फेंकूंगा। नहीं, किसी को परेशान करके आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या फिर से गीले हो गए? जाओ जाओ, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में नाम जोशी गुरु जी हैं, जाओ उनसे उनका उपरना मांग कर पहन लो। अरे लेकिन हो सकता है कि आज नाम जोशी सर अपना उपरना ना लाए हो। अब छोटी जाति के लड़के को शिष्य बनाएंगे तो गुरुजी के कपड़े तो उतरेंगे ही ना। नहीं, आज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अलग से एक कमीज लेके आया हूँ। कितने बेवकूफ हो ना तुम, अपने दुश्मन से अपनी सुरक्षा की जो योजना तुमने बनाई थी खुद ही बता दी। ठीक है, कल से इस अतिरिक्त कमीज के लिए भी योजना बनाकर आऊंगा। नरोत्तम भाव, नरोत्तम भाव, क्या हुआ? पता नहीं अचानक से खुजली होने लग गई। दलिया अम्मा ने एक उपाय लाया है जिसे वो पानी फेंकने वाला पहचान भी जाएगा और पकड़ा भी जाएगा। वो जब तुम पे पानी फेंके तो तुम ये उस पे फेंक देना। जहाँ खुजली हो रही है वहाँ गीली मिट्टी लगा लीजिए, अब ठीक हो जाओगे। तूने क्या मिलाया था पाउडर में और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पाउडर डालने की? पहले आप मुझे ये बताइए, दो दिन से आप मुझ पर पानी क्यों डाल रहे हैं? क्या हुआ भीमराव? गुरुजी,
ये वही है जो 2 दिन से मुझ पर पानी फेंक रहे है। आज भी जब मैं कॉलेज आया तो इन्होंने वही किया, और अभी तो ये खुद से गुनाह भी कबूल कर रहे हैं। क्यों फेंका पानी तुमने? नरोत्तम जोशी, अपने आप को इतना तेज मत समझो। हम सब समझ रहे हैं कि पानी फेंकने के पीछे किसका हाथ है। कोई सबूत है आपके पास? बिना सबूत के ही आप उसे फांसी पे लटका दोगे क्या? ठीक है, फिर जो पकड़ा गया उसी के माँ बाप को बुला लेते और कॉलेज से निकलने का नोटिस दे देते। हाँ गुरु जी, मैंने ही किया है, लेकिन नरोत्तम जोशी चुप। अब खुद फंस रहे हो तो मुझे फंसा रहे हो। नरोत्तम जोशी, यहां बेवकूफ कोई नहीं है, सब समझते हैं हम। तुम और तुम दोनों को 1 सप्ताह के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। अभी सिर्फ 1 सप्ताह के लिए कर रहा हूं, अगर दोबारा ऐसी बदतमीजी की तो इस कॉलेज क्या किसी भी कॉलेज में पढ़ने लायक नहीं बचोगे। लेकिन सर ये तो सरासर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, रूल सबके लिए बराबर हैं। आउट। और बाकी सब लोग अपने अपनी क्लास में जाएं। भीमराव, अब तक तो सब यूं ही चल रहा था, लेकिन अब तुमने मुझे दुश्मनी के लिए निमंत्रण दिया है तो ठीक है, निभाएंगे। दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाएंगे। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से निकाला गया है ना, तुम्हें इस कॉलेज से हमेशा के लिए ना निकाला तो मेरा नाम नरोत्तम जोशी नहीं, समझे? चल देवेंद्र। धन्यवाद काकी, आपके उपाय से वो पानी फेंकने वाला पकड़ा गया और अब उन्हें भीगना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन रमा, भीम तो रोज ट्राम से कॉलेज आता जाता था, फिर आज पैदल क्यों आया? काकी, अब आपसे क्या छुपाना, चलिए बताती हूँ। चल। रमा, तुमसे अच्छी जीवन संगिनी मुझे कभी मिल ही नहीं सकती थी। कभी कभी तो तुम मुझे मेरी आई जैसे लगती हो। मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं इन्हें लेके चली जाती हूँ, मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। मैं इन्हें जेल नहीं जाने दूंगी। अगर आपको ये जेल ले जाएंगे तो उन्हें मुझे भी जेल ले जाना होगा। जैसे आई मेरा ख्याल रखती थी, मेरे लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाती थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो रमा। लेकिन आज जो तुमने किया वो तरीका गलत था। ये 1.5 आना भी आप ही रख लीजिए, लेकिन रमा को और उसके भाई बहन को खाना दे दिया कीजिएगा।
अरे अम्मा, तब समझाया था, तब तो आप समझी नहीं थी। मुझे थप्पड़ मार के चुप करा दिया था। मुझे लगा कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मुझे थप्पड़ मारा। लेकिन फिर अब रमा के साथ पता नहीं कहाँ चली गई थी। ये तुम बार बार ना अपनी और भीम के बीच में मेरी ममता को मत लाया कर। गलती कर रही हो डलिया अम्मा, और ये गलती की सजा कहूँ हम सबको ना भोगने पड़े। गलती तो की जोकू मैंने, वो गलती ये की कि जब तुम रात को सब सो रहे थे तब तुम सबसे चुरा के मैं उन सबके लिए खाना लेकर गई थी। लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने कहा कि आप चुरा कर खाना लाई हो तो हम ये खाना नहीं खा सकते। तो ये सुन के मुझे समझ आ गया कि गलती हुई है मुझसे, लेकिन आज सबके सामने मैं गलती अपनी सुधारूंगी और तुम सबके सामने उनके लिए खाना लेकर जाऊंगी, तो शायद वो लोग खाना खा ले। ये दलिया अम्मा किसी से नहीं डरती, ना तुम लोगों से ना उस जोशी जी से। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर उस भीमराव में ऐसा क्या है जो डलिया अम्मा इतना उस पे प्यार बरसाती रहती है। तू चुप। भीमराव। अरे रुको, कहाँ हुई गवा? असल में जिस दफ्तर में पहले मैं काम करता था उस दफ्तर से ये चिट्ठी आई है, अंग्रेजी में है। भीम इसे पढ़कर समझाएगा और इसका जवाब भी लिख देगा। पिछले बार जवाब लिखा था भीम ने, वो सही काम आया वो मेरे। लेकिन भीम भैया तो चोल छोड़कर चले गए। कहाँ चला गया और क्यों? इन सब ने भगा दिया उसे। इन लोगों को दीजिए, शायद पढ़ ले ये। कहते हैं कि भीम में ऐसा क्या है, यही है खूबी। जाइए आप ढूंढिए उसे, यहाँ आपकी चिट्ठी किसी को समझ में नहीं आएगी। काला अक्षर भैंस बराबर है। काका, आप भीमबाऊ की कॉलेज खत्म होने के बाद आइएगा, मैं आपको उनके पास ले चलूंगा। ठीक है बेटा। फिर क्या हुआ? पता है बुआ, पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने और डलिया अम्मा ने उन्हें समझा दिया, फिर वो पानी फेंकने वाला पकड़ा भी गया। चल अच्छा हुआ, समझदार हो गई है तू तो। इतना दिमाग कहाँ से आ चल रहा है तेरा? बस आपके साथ रहते रहते। हमारे साथ रहते रहते तो ठीक है, लेकिन भीम के साथ भी है ना। अब दोनों ही हंसती रहोगी क्या? हमें भी कोई कुछ बताएगा, हम भी थोड़ा हंस लेंगे, या फिर हमें इस परिवार का कोई हिस्सा ही नहीं मानता। क्या बताए, हमारे बारे में ही बोल के हंसा जा रहा हो। तेरा दिमाग ऐसे ही चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है लक्ष्मी। आई दीदी, वो कॉलेज गए थे ना, हम वही बात कर रहे थे तो। रुको रुको, भीम के बारे में बता रही हो तो मत बताओ, नहीं सुनना हमें, जाओ। इसलिए आपसे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि आपको उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज पसंद नहीं है, और आप हमें चाहे जो मानिए, लेकिन मेरा परिवार आप सबसे मिलकर ही बनता है, और मैं सपने में भी आप दोनों का मजाक नहीं बना सकती हूँ। पानी लेकर आ। तुमसे कुछ बात करनी है, आता हूँ बुआ। अब अकेले में बात करेंगे ये दोनों। देखो रमा, आपको मुझे धन्यवाद कहना है कि मैंने उस पानी फेंकने वाले को पकड़ने में मदद की। नहीं रमा, तुमने गलत किया है। तुमने गलत किया है, डलिया अम्मा ने गलत किया है, और मैंने भी गलत किया है। क्यों गलत किया? रमा उसे खुजली हो रही थी और उसकी वजह से वो परेशान था, जिसका कारण हम तीनों थे। ऐसे किसी की परेशानी का कारण बनना गलत बात है रमा। फिर तो बहुत कुछ गलत है। बाबा आपको सुबह सुबह रोज जगाते हैं,
सोए से जागना भी परेशान होना है तो वो भी गलत है। पुलिस मुजरिम से सच बुलवाने के लिए मारती है तो वो भी गलत है। और जिस सूरज के बारे में आप बात करते हो कि वो सबका है, वो भी तो अपने घर में से कितनों को परेशान करता है, वो भी गलत है। देखो रमा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। देखिए, गलती के लिए तो सजा मिलनी चाहिए और दंड के बिना कोई अपराध बंद नहीं हो सकता, ये मैं जानती हूँ, बाकी कुछ नहीं जानती। तो तुम ये मानती हो कि हर गलती के लिए दंड देना उचित है? हाँ, जैसी गलती वैसा दंड। चलो सब लोग सामान मान लो। कहाँ जाना है? मैंने घर ढूंढ लिया है, यहाँ से बहुत दूर नहीं, पेजगी मैंने दे भी दी है। जीजा भाई, लक्ष्मी, सामान मान लो। उठा आराम से। चल सेठ जी। किराया समय से देना होगा और 1.5 रुपया से 1 पैसा कम किसी भी महीने नहीं लूंगा। जी, हम आपका किराया समय पर दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलो सामान लेकर अंदर चलो। 5 रुपए। ₹5 महीने का किराया मैं देता हूं आपको। ₹5, ये घर मुझे दे दीजिए। और रुपयों से नहीं मारोगे तो हमारी ताकत जान लो, यहाँ रह नहीं पाओगे। 1.5 रुपया के बदले 5 रुपया किसे खराब लगेगा? तुम लोग घर कहीं और देख लो, ये मकान तो किराए पे चढ़ गया। लेकिन आपने हमसे 1 महीने की पेजगी ली थी और फिर पेजगी लेकर घर नहीं देंगे, ये तो गलत है ना? सही गलत कुछ नहीं है, मैं पेजगी लौटा देता हूँ ना। आपकी पेजगी भी मैं लौटाता हूँ ना, और ये पैसा किराए के अतिरिक्त है। गिन लो और अगर अधिक हो तो चाय पी लेना मेरी तरफ से। ये लीजिए, 4 आने ज्यादा दिए आपने। और हां, आपने सही कहा था, हम जहां जहां जाएंगे हमसे पहले आप वहां रहेंगे। गलती हमसे ये हुई है कि हम कहीं गए ही क्यों, लेकिन अब हम उस गलती को सुधारेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे।
बल्कि उसी घर में वापस जाएंगे जहां से आपने हमें निकाला था।